चुनाव आयोग की अहम बैठक आज है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पंजाब चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। कई पार्टियों ने चुनाव आयोग से मांग की है चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है कई दलों की तरफ से। तो पार्टियों ने रविदास जयंती का हवाला दिया है इसके पीछे। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में वोटिंग होनी है, लेकिन इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, ये मांग तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है, खास तौर पर जो पंजाब के क्षेत्रीय दल हैं उनकी तरफ से। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, तो पंजाब के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि जो पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर यह है कि चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक करने वाला है और इस अहम बैठक में कई मुद्दे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से रखे गए हैं, खास तौर पर पंजाब के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन इस तारीख को बढ़ाया जाए, ये मांग कई राजनीतिक दलों की तरफ से रखी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य तिवारी जुड़ गए हैं। सत्य तिवारी, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, चुनाव आयोग की बैठक कितने बजे होनी है और क्या दलील कई राजनीतिक दलों की तरफ से रखी जा रही है, क्यों आगे बढ़ाई जाए तारीख? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 13 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि इस 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के जो एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो समुदाय के जो लोग हैं, वो लोग वाराणसी जाते हैं और इसमें लगभग हमारे सूत्रों का कहना है कि करीब 20 लाख लोग करीब जा सकते हैं बनारस। तो ऐसे में वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इवन इस चीज को लेकर भाजपा और तमाम आम आदमी पार्टी और भी पार्टी, इन लोगों ने भी इस चीज को लेकर अपना अनुरोध जताया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग से इस चुनाव के डेट को बढ़ाने का, कम से कम एक हफ्ता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अब देखने वाली बात है यह है कि क्या चुनाव आयोग इस चीज को लेकर फैसला क्या करता है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि क्या चुनाव आयोग इस चीज के बारे में पहले से चुनाव आयोग ने अगर नहीं सोचा था, तो ये भी एक गंभीर मसला है। चुनाव का डेट अचानक से किसी भी राज्य का डेट बढ़ाना एक मतलब ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर अपना क्या रवैया रखता है और क्या वो डेट बढ़ाता है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य तिवारी जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक होने वाली है, इस अहम बैठक में ये तय हो सकता है कि पंजाब की तारीख आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। हालांकि कई राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी दलील रख दी गई है, तर्क रख दिया गया है कि इस 14 फरवरी की तारीख को एक हफ्ता आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सब कुछ अब निर्भर है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग इस तारीख को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात है।